अस्सलामु अलैकुम माय डियर, वेलकम बैक। तो जी, आपकी लाइफ का क्या पर्पस है? आपकी लाइफ का पर्पस होता है कुछ ना कुछ बनना, कुछ अचीव करना, और कुछ जो है वो आप ऐसा करना जो शायद अभी तक किसी ने अचीव ना किया हो। क्योंकि इंसान है ना, इंसान के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ख्वाहिशें जो है वो जन्म देती रहती हैं और लेती रहती हैं, और इंसान चाहता है कि मेरे पास अगर ये चीज़ है तो मैं वो भी अचीव कर लूँ, और वो आ गई है तो मैं अब तीसरी भी अचीव कर लूँ। तो इस तरह से जो है वो इंसान की ख्वाहिशों का स्पैन जो है वो बढ़ता ही चला जाता है। और बस फिर क्या होता है कि इंसान चाहता है बहुत कुछ करना, बहुत कुछ अचीव करना, वो अपने लिए करना चाहता है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि इंसान जो है वो दूसरों के लिए भी करना स्टार्ट कर दे, कुछ ऐसा करे जिससे दूसरों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड हो सके। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है जिसमें आप सिर्फ सिर्फ ना सिर्फ आपकी ज़ात को फ़ायदा हो रहा है, बल्कि जो आपसे जुड़े हुए दूसरे लोग हैं, आपकी सोसाइटी है, उसको भी फ़ायदा हो रहा है। और ऐसा आइडिया सोचना आपका काम है कि आप ऐसा क्या करें कि दूसरों की लाइफ में आसानियाँ आ सके, दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके। इंसान को अगर इंसान अगर आप कुछ करते हो, ठीक है, और उससे दूसरों को खुशी मिलती है, तो उससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? जैसे कि अगर आप किसी की बात मानते हो, कोई अगर आपको कोई काम कहता है अगर आप वो कर देते हो, कोई मजाक करके किसी को हंसा देते हो, किसी को थोड़ी सी मुश्किल टाइम चल रहा है उसके मुश्किल टाइम में हेल्प कर देते हो, किसी की तरफ हंस के देख लो, या फिर किसी के साथ किसी का कोई मसला चल रहा है वो सुन लिया, क्योंकि अक्सर लोगों के पास कोई सुनने वाला नहीं होता। ऑल दो हम लोग ये बात जानते हैं कि हर टाइम अल्लाह ताला सुनते हैं हमारी बात, हम जब भी बात करें, लेकिन शायद इंसान को जब आगे से रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन आता ज़रूर है। आप गौर किया कीजिए कि ज़रूर रिस्पॉन्स आता है, लेकिन मोस्टली इंसानों को यही लगता है कि हमें आगे से कोई शायद हमें हमारी बात जो है कोई सामने फिजिकली बैठ के सुने तो वो सेटिस्फाई होते हैं। इंसानों के पास जो है वो सुनने के लिए जो है वो ज़्यादा कोई अगर नहीं होता, तो अगर आप उनकी बात सुन लेंगे और सिर्फ और सिर्फ गॉसिप के लिए नहीं, उनके मसले को हल करने की नीयत से, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और आप कुछ ऐसा करने की सोचे जैसे आपकी सोसाइटी में थोड़ी बहुत बेहतरी आ सकती है, आपसे जुड़े लोगों की लाइफ में बेहतरी आ सकती है, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो सकती है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो इंसान की ज़िंदगी का मकसद भी यही होना चाहिए कि वो अपने साथ साथ दूसरों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड करे, और चाहे वो किसी भी तरीके से करे, कोई अच्छी बात बता देना किसी को वो भी वैल्यू ऐड करता है, किसी को बुरा कमेंट ना करना, अच्छा अच्छी बातें उनके साथ करना वो भी जो है वो वैल्यू ऐड कर देता है किसी भी इंसान की लाइफ में। और आपको अगर मैं एग्जांपल दूँ, जैसे कि बहुत सारे हमारी सोसाइटी में ऐसे घर भी हैं जो कि मैं कहूँगी कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा चीज़ें, तो आप उनके लिए कुछ कर सकते हो, एक ग्रुप बना सकते हो उनके लिए जो है वो हेल्प के लिए, उनकी उनकी हेल्प के लिए आप डोनेशंस ले सकते हो, उनको वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो जो कि डेली नीड्स को पूरा करने के लिए ज़रूरी होती हैं, आप वो कर सकते हो। सही। और मैं जब अकेडमी जाया करती थी पढ़ाने के लिए, तो फर्स्ट टाइम पर मैं पढ़ती थी और सेकंड टाइम मैं टीचिंग भी करती थी, तो वहाँ पे एक यानी कि उस एकेडमी के जो ऑनर थे ना, उनके स्टूडेंट्स ही थे वो जो वहाँ से जा चुके थे पढ़ के, और बहुत ही कोई एफए उन्होंने आई थिंक 11 FA से स्टार्ट की थी या क्या, बहुत ही यंग बच्चे थे वो आए जी। टीचर्स के जो सैलरी होती है उसमें से थोड़ा बहुत जो भी वो डोनेशन देना चाहती हैं महीने का वो दें, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी हैं हमारी सोसाइटी में जो कि 5 रुपए तक अफोर्ड नहीं कर सकती, या फिर कुछ भी ऐसे जो कि डेली लाइफ की जो भी ज़रूरियात होती हैं वो नहीं वो पूरी कर सकती, तो हम उनके लिए जो है वो मिलके हमने ग्रुप बनाया है और हम उनके लिए डोनेशंस लेते हैं और उनको ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो कितना ही अच्छा है कि हमारी यंग जनरेशन में ऐसे भी बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक में फजूल टाइम गुजारने के बजाय, गेमिंग में फजूल टाइम गुजारने के बजाय, हमारी सोसाइटी के ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो कि जिनको वाकई में ज़रूरत है और जिनके लिए हम वाकई के कुछ करेंगे तो हमें भी खुशी जो है वो महसूस होगी। तो ऐसा अगर हो सकता है तो और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आपको खुद भी इस तरह के आइडिया सोचने चाहिए जैसे दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके। जैसे कि आपको कोई ऐसी ऐसा अगर आप कोई काम कर जाए जिससे दूसरों के लिए आसानी हो जाए, या फिर आप आपकी किसी बात से कोई दूसरा खुश हो जाए,
इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इंसान बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, बहुत बड़ी सीट पर जाना चाहता है, बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है, लेकिन ये छोटे छोटे काम जो कि दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं वो नहीं करना चाहता। तो अगर साथ साथ आप ये भी करेंगे, किसी की हेल्प करेंगे, किसी के लिए किसी की खुशी का ज़रिया बनेंगे, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आप खुद भी बताएं, आपको जब किसी की हेल्प करके आपको अच्छा फील होता है, उससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग आपको कभी हुई होगी। आप खुद भी जो है ये बात फील कर सकते हैं कि जिस दिन आप किसी की हेल्प करते हो, किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो, तो आपको ज़्यादा अच्छा फील होता है। और यही जो चीज़ है हमें वही चाहिए होती है। और मेरे माइंड में एक मूवी आई है अचानक से, और वो है जी मूवी किक, जिसमें जो है हमारे जो हीरो साहब होते हैं ना, वो बहुत कुछ करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उनको वो खुशी नहीं मिल रही होती जो कि इंसान को चाहिए होती है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती। और उनको वो खुशी कहाँ से मिलती है जी, एक छोटी सी बच्ची की स्माइल में, और वो तब स्माइल करती है जब जो उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है जी, और उसकी हेल्प करते उसको मुश्किल टाइम से निकालते हैं, और उसकी लाइफ में जाहिर सी बात उसने वैल्यू भी ऐड कर दी, और ख़ुद की जो सेटिस्फेक्शन थी, खुशी थी, वो भी अचीव कर ली। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ऐसे ही छोटे छोटे से काम करके आपने आप भी सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकते हो। कभी देखिएगा कि कभी आप किसी को कोई डोनेट करते हो कोई चीज़, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। कभी आप किसी के साथ कुछ शेयर करते हो खाने पीने वाली, तो वो भी आपको बड़ा अच्छा फील होता है। कभी किसी के साथ आप अपना किसी का जो है वो कोई उसको दुख है, वो उसके बारे में उससे बात कर लेते हो, तो उनका भी दिल हल्का हो जाता है, आपको भी अच्छा फील होता है कि आपने उसका मसला हल कर दिया। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए हेल्पफुल भी प्रूफ हो सकते हो, और उनकी लाइफ में आपकी एक जगह बन सकती है, ठीक है जी। और इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, और अपने करेक्टर के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हम लेके आ सकते हैं, जिनमें से एक चीज़ ये भी है कि आप दूसरों के लिए कुछ करना स्टार्ट करते हैं, और उससे आपको खुद भी सेटिस्फेक्शन होगी और आपको खुशी भी होगी, और डेफिनेटली खुशी उससे बेहतर हो सकती है कि जब आप एक बहुत बड़ी सीट को अचीव करके तो उस पर बैठ कर हुक्मरानी कर रहे हो, ठीक है जी। कभी आप करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।